वेलकम टू एच डी डिजाइन। मैं मोहन नसीतना आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्केचअप का मॉडल को ब्लेंडर पे इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए स्केचअप इंपोर्टर। तो देखिए, पहले हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये तो हम यहाँ से स्केचअप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ब्लेंडर को ओपन करते हैं। करने के बाद सबको पहले डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाके प्रेफरेंस पे जाएंगे, वहाँ पर एड ऑन पे जाके इंस्टॉल एड ऑन करेंगे। और हम लोगों का जहाँ पर आपका एड ऑन हम लोग डाउनलोड किया था वहीं से ये इंस्टॉल कर देंगे। देखिए, अब इसको टर्न ऑन कर देते हैं। हम अब क्या करेंगे, एक फाइल्स पे जाएंगे, जाके इंपोर्ट पे जाएंगे। नीचे देखिए हम लोगों का स्केचअप फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो वहाँ से हम लोग अपने कंप्यूटर के डाउनलोड कोई भी स्केचअप फाइल ब्लेंडर पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम लोगों ने ये जो फाइल है इसको देखिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा इंपोर्टेड फाइल आ गया है। और हम देखिए कहाँ से हम लोग ब्लेंडर के लिए स्केचअप मॉडल डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे 3D वायर हाउस पे। थ्री डी वायर हाउस को आके हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन करेंगे अगर हम लोग के पास ऑलरेडी अकाउंट है, अदरवाइज क्रिएट अकाउंट करेंगे हम। क्योंकि मेरा एक अकाउंट है तो मैं इसको अब साइन इन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपना जो भी मॉडल चाहिए वो ऊपर में सर्च कर सकते हैं। देखिए उस रिलेटेड मेरा मॉडल आ गया। मैं यहाँ से कोई भी मॉडल मेरा जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको ब्लेंडर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।